किसी होर का बूत नहीं लग रहा, सिर्फ साडे ही बूत लगे पे है। ये देखो इधर भी कांग्रेस, इधर भी कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस ही बूत है। अरे रिस्पांस देखो, एक मिनट मीडिया थोड़ा जा पिछे हटो, मैं थानू अपने हल्के का, अपने हल्के का रुझान दिखाना चाहता है। हल्का चमकौर साहब दे विच सिर्फ ज्यादातर बूथ कांग्रेस दे लगे हुए हैं, आम आदमी दे बूथ नहीं लगे। लोग रिस्पांस किवें दे रहे हैं? मरंडे दे विच बैठे हैं आपां, इधर भी कांग्रेस का बूथ है, इधर भी कांग्रेस का बूथ है, होर के दा झाड़ू दा होर के दा बूथ नहीं लगे। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता को हासिल करने के लिए सारे कानून, सारे सिद्धांत चिक्के टांग दिए हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह भी बाई हुक और क्रुक, सब सिद्धांतों को छोड़कर, देश की और एकता और अखंडता को भी छोड़कर राज्य स्थापित हो। लेकिन चोरों के भी, राजनीतिकों के भी, धार्मिक लोगों के भी, हर किसी के कोई असूल तो होते हैं, राजनीति में भी कोई असूल होने चाहिए। ये देश की एकता और अखंडता से खेलना ये किसी तरह भी टॉलरेट नहीं करेगा पंजाब। उनको गलत फहमी हो गई आम आदमी को कि शायद पंजाब अतवाद को पसंद करता है, इसलिए उनको लगता है आम आदमी केजरीवाल को, क्योंकि वो बाहर से पंजाब को पूरा समझ नहीं पाया, उसको लगा कि शायद पंजाब टेररिज्म पसंद करता है। अरे पंजाब ने तो टेररिज्म इतना झेला है, इतना नुकसान हुआ है, तो उसने जो खालिस्तानियों से मदद ली और ये भी कहा कि मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ, ये पंजाब में नहीं चलेगा और पंजाब उससे पीछे हट गया। वहाँ रैली खत्म हो गई थी तो मैं वहाँ पहुँचा, कुर्सियाँ इकट्ठी हो गई थी, मैं मंदिर में पूजा करने लग गया। तो इतनी बात से ही उन्होंने FIR कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पंजाब का लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र अगर रखना है तो चुनाव आयोग को सबके लिए और बराबर एक आंख से देखना चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं केंद्र नूं दसा कि जी इत्थे ये अखवादी ते अतवादी गतिविधियां होण दी संभावना है, ये लोगों ने इस तरह किया है, वो मैं सारी डिटेल उन्होंने दसी है। मेरा फर्ज बनता सी एज मुख कि रात सच्चा सौदा डेरे वाले ने सारे अपने थले बंदियां नूं मैसेज कर दिते है कि वह अकाली दल नूं वोट पाउणगे, तो भगवंत मान नूं भी उन्होंने जिताउण वास्ते वोटां पाउणियां शुरू कीतियां। ये सच्चा सौदा दी और भगवंत मान दी ते अकाली दल दी जिहड़ी मिली भुगत है BJP दे नाल, ये मैनू समझ नहीं अजे तक आ रही, लेकिन ये जरूर है चारे पासे तो सुनेह आ गया है कि सच्चा सौदा दे अकाली दल वास्ते, BJP ते भगवंत मान वास्ते सुनेह आ गया। मुझे नहीं समर्थन दिया और मेरी उनसे साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो भाजपा के अध्यक्ष हैं अश्विनी, उनका कहना है कि भाजपा को वोट नहीं देना है तो कांग्रेस को दे दो वोट। अरे भाजपा वाले सच्चे सौदे वाले को कब्जे में रखा हुआ है और अकाली दल और भगवंत मान को वोट डलवा रहे हैं। मुझे प्राइम मिनिस्टर सिख जथेबंदियों को भी मिले, हिंदुओं को मिले, सबको मिले, ये उसका दायित्व है, मिलना चाहिए। ये विच पिछे BJP है क्योंकि BJP ने उन्होंने कब्जे च किया होया, ये गल हुण पता लगी है कि ये सारे जने इकट्ठे है। मैं काली पार्टी का बंदा सारी जिंदगी च, अज मैं बदलिया मैं वोट पाउणियां। ये कह रहे हैं कि मैं अकाली पार्टी में था हमेशा, लेकिन चन्नी के कारण आज मैं बदल गया हूं और मैं चन्नी को वोट दे रहा हूं। सर जब मैं गुरुद्वारा साहब गया तां उत्थे मुख भाग जेड़ा आया वो आया कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देगा। सो परमात्मा दी कृपा दे नाल, क्योंकि संतन के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। परमात्मा की कृपा दे नाल चारे पासे पूरे पंजाब दे विच कांग्रेस प्रति लोग उमड़ के आ रहे हैं, एक तरफा वोट पै रही है, कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी दे नाल सरकार बनाउण जा रही है।